हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हॉटस्पॉट्स। इसको हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन को लेते हुए एंड टोटल लिविंग इंडिविजुअल से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स, ऐसे लिविंग इंडिविजुअल जिनमें वर्टिबल कॉलम अब्सेंस होता है, उनमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर 70% इंसेक्ट्स होते हैं। देन मोलस्कंस, फिर अदर एनिमल्स 70% के बाद में, ठीक है, फिर मोलस्कंस एंड क्रस्टेशियन। तो ये मैक्सिमम नंबर क्या हैं, इंसेक्ट्स के होते हैं, फिर मोलस्कंस के हैं और फिर क्रस्टेशियन के, और जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वो अदर एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स की ही बचते। ये एक पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड रेंज में बताया गया है, पूरे प्लानट के ऊपर सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स में पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट्स की, फिर मोलस्कंस की, फिर क्रस्टेशियंस की एंड लास्ट अदर एनिमल्स। सेकेंड है वर्टिब्रेट्स एज ए लिविंग इंडिविजुअल जिनमें वर्टिबल कॉलम की प्रेजेंस होती है, इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी ओवरऑल वर्टिब्रेट्स का 50% माने तो फिशेज होती है, फिर रेस्ट ऑफ 50% में से जैसे हम लोग बात करें 50% के फोर पार्टीशन करते हैं, तो उस 50% के इक्वल परसेंटेज में एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, तो 50% में मैमल और एम्फीबियन की परसेंटेज इक्वल होती है और रेप्टाइल और बर्ड्स की भी परसेंटेज इक्वल होती है। तो वर्टिब्रेट्स में हम लोग बात करें तो ओवरऑल पॉपुलेशन में या ओवरऑल एनिमल्स की परसेंटेज में से 50% फिशेज हैं, और फिर 50% जो बचा है उसमें चार इंडिविजुअल्स, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, जिसमें मैमल्स और एम्फीबियंस की परसेंटेज सेम है, ठीक है, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स की परसेंटेज सेम है, ये वर्टिब्रेट्स हैं। एंड द थर्ड कैटेगरी इज प्लांट्स। प्लांट्स इंडिविजुअल में परसेंटेज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फंगीज, ठीक है, फंगी और एंजियोस्पर्म की परसेंटेज टोटल प्लांट्स में लगभग इक्वल परसेंटेज में होती है। फिर उसके बाद में सेकेंड परसेंटेज होता है यानी फंगी और एंजियोस्पर्म की जो परसेंटेज देखें, एंजियोस्पर्म और फंगी की परसेंटेज सेम है टोटल परसेंटेज में से, फिर एल्गीज की परसेंटेज आती है, फिर मॉसेस और फॉन्स का परसेंटेज क्या है, इक्वल है, और लेस परसेंटेज सबसे कम परसेंट लाइकेंस का है। ये थर्ड कैटेगरी है हॉट स्पॉट्स में। तो इसमें तीन टाइप्स की कैटेगरीज में इंडिविजुअल्स को डिवाइड किया गया, जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों ही, एनिमल्स को दो कैटेगरीज में इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, और प्लांट्स के ओवरऑल परसेंटेज के बारे में। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे 1.5 मिलियन एंड ऑफ 1.5 मिलियन परसेंट एंड आउट ऑफ 1.5 मिलियन 70% आर एनिमल्स। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स की कितनी है, 1.5 मिलियन है, और उन 1.5 मिलियन में से 70% किसकी है, एनिमल्स की है। 70% आर एनिमल्स है, यानी टोटल वर्ल्ड प्लानट के अकॉर्डिंग, प्लानट के ऊपर की बात करें पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स की, तो 1.5 मिलियन स्पीसीज और डिस्कवर्ड हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, और उस 1.5 मिलियंस में से 70% एनिमल्स हैं। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, अभी इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को हम लोग तीनों को थियोरेटिकली पढ़ेंगे। इनवर्टिब्रेट मैक्सिमम नंबर इन इंसेक्ट अबाउट 70% ऑफ ऑल एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स में 70% किसका होता है, इंसेक्ट का होता है, यानी टोटल इनवर्टिब्रेट्स में 70% है। देन मीन दैट मीन्स वी स्टडी 10 एनिमल्स देयर वुड बी 7 इंसेक्ट, मतलब क्या कह सकते हैं, अगर आप लोग 10 इनवर्टिब्रेट्स की स्टडी कर रहे हो तो उसमें से 7 क्या होंगे, इंसेक्ट्स होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंसेक्ट देन अदर एनिमल्स देन मोलस्कंस एंड देन क्रस्टेशियन, मिनिमम नंबर ऑफ क्रस्टेशियन इन इनवर्टिब्रेट्स। तो ये बात करा जाए 70% क्या हो गया,
इनवर्टिब्रेट भी इंसेक्ट्स है, देन अदर एनिमल्स, फिर मोलस्कंस, और सबसे कम परसेंटेज होते हैं क्रस्टेशियन के इनवर्टिब्रेट्स में। सेकेंड है वर्टिब्रेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फिशेज इन वर्टिब्रेट्स अबाउट 50%, तो ये मैक्सिमम नंबर हो गया वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वो कितना होता है, लगभग 50% होता है, किसका है, फिशेज का। देन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एंड देन एम्फीबियंस एंड मैमल्स, तो ये क्या है, जो 50% रेसेस हैं उस रेस्ट है उसमें से मैमल्स और एम्फीबियंस बर्ड्स और रेप्टाइल्स और मैमल्स और एम्फीबियंस सिमिलर हैं, ठीक है, मैमल्स और एम्फीबियन का परसेंटेज सेम है, बर्ड्स रेप्टाइल्स का परसेंटेज सेम है। इन रिमेनिंग 50% वर्टिब्रेट्स, जो बचा हुआ 50% फिशेज का होगा, 50% रेस्ट जो रह गया है उसमें मैमल्स और एम्फीबियंस इक्वल और बर्ड्स और रेप्टाइल्स इक्वल परसेंटेज में। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स इन सेम परसेंट एंड एम्फीबियंस एंड मैमल्स इन सेम परसेंट। नेक्स्ट है प्लांट्स से रिलेटेड, इन प्लांट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फंगी एंड एंजियोस्पर्म्स आर इन मैक्सिमम परसेंट, तो मैक्सिमम नंबर किसका है, इसका यहाँ पर फंगी और एंजियोस्पर्म्स का है मैक्सिमम। देन एल्गी, उसके बाद में एल्गी है नेक्स्ट परसेंटेज में, एंड देन मिनिमम नंबर ऑफ लेस परसेंट ऑफ मॉसेस फॉन्स एंड लाइकेंस, और उसके बाद में जो रेस्ट परसेंटेज है वो मिनिमम नंबर होते हैं लाइकेन मॉसेस और फॉन्स में आते हैं। अमंग दीज ट्वेल्व इंडिया इज एट 8th पोजिशन, ये देखो ऊपर से, देर आर 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, पूरे वर्ल्ड वाइड 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं, ठीक है, मेगा डाइवर्सिटी मीन्स मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी, इन 12 में से इंडिया की 8th पोजीशन है। अमंग दीज 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इंडिया इज एट 8th पोजीशन, हाउ डू वी नो वी आर अमंग्स दीज 12 इंडिया इन 8th पोजीशन, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि इन 12 में से मेगा डाइवर्सिटी में इंडिया 8th नंबर पोजीशन पे, हाउ वी कैन कंक्लूड दैट, इसका रीजन है, कैसे पता कर सकते हैं, रीजंस है, इंडिया कंट्रीब्यूट अबाउट 2.5% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, भारत देश 2.4% लैंड एरिया कवर करता है पूरे वर्ल्ड का, बट इन डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन इन 8.1% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी, बट टोटल डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो भारत का कंट्रीब्यूशन या इंडिया का कंट्रीब्यूशन 8.1% है, मीन्स इन लेस एरिया कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब है कि थोड़े एरिया के अंदर, बट इन दिस लेस लैंड द स्पीसीज डाइवर्सिटी इज मच हाइयर, एरिया का कंट्रीब्यूशन लेस है बट स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है, हाइयर है। अब इसका रीज़न क्या है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी होना यहाँ पर, रीज़न ऑफ दिस हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी बिकॉज इन इंडिया वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इंडिया के अंदर जैसे बात करते हैं जियोग्राफिकल रेंज में बात करते हैं तो अलग अलग हैबिटाट्स या अलग अलग इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से मेगा डाइवर्सिटी है, लाइक फ्रेश वाटर हैं, ओशियंस हैं, डेजर्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं एंड अदर वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ये मेगा डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी का मैक्सिमम होने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर भी है, ओशियन भी है, डेजर्ट भी है, ग्रासलैंड भी है, वेरियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी है, सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग डिफरेंट अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में अलग अलग टाइप का क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एनिमल्स, दैट्स वाई स्पीसीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इज मच हाइयर, और ये रीज़न है, तो ये कई बार पूछा जाता है कि क्या रीज़न है कि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन लेस कॉन्ट्रीब्यूशन इन लैंड एरिया होते हुए भी स्पीसीज डाइवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है, क्यों, क्योंकि
जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर, और यही रीज़न है कि अलग अलग रीज़न है, तो अलग अलग रीज़न के अंदर क्या है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग इंडिविजुअल्स फॉर्म अप होते हैं, यही मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक था हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स में कौन कौन से एरिया के अंदर कितने परसेंटेज में इन्वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, प्लांट्स हैं, फिर इनका परसेंटेज क्या है ओवरऑल, और व्हाट इज इंडिया कौन सी पोजीशन में है मेगा डाइवर्सिटी में। 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री हैं, उनमें 8 पोजीशन पे हैं, और क्यों हैं 8 कॉन्ट्रीब्यूशन पे। 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया कवर करता है, पर स्पीसीज डाइवर्सिटी का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो 8.1% कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से मैक्सिमम परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। दैट इज़ द रीज़न ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स फाउंड इन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, दैट्स वाई द स्पीसीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज मच हायर कंपेरेटिव अदर कंट्री। थैंक यू।